खनिया थाना क्षेत्र के बामोर कला निवासी पूर्व सैनिक और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि पूर्व सैनिक जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन से अपने घर से लापता थे। परिजनों का कहना है कि हम एक आवश्यक काम से भोपाल गए हुए थे। भोपाल से लौटते ही मृतक के लापता होने की सूचना हमें मिली। हम बामोर कला थाने को हमने सूचित किया। पुलिस ने छानबीन की तो एक अज्ञात लाश रिजौदी गांव के पास कांटा खोके जंगल में प्राप्त होने की सूचना मिली। पहचान करने के लिए जब लोगों को बुलाया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतक पूर्व सैनिक ही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक की हत्या कर पहले जलाने का प्रयास किया, उसके बाद एक बड़े पत्थर से बांध कर उसे कुएं में फेंक दिया गया, साफ नजर आता है। फिलहाल बामोर कला पुलिस ने मर्ग कायम कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए खनिया थाना भेज दिया है। मेरे पास पुलिस का फोन आया कि मतलब डेड बॉडी कुएं में जो पड़ी मिली हुई है, तो मैंने परिवार वालों को सूचित किया। उसके बाद मैं और अपने परिवार वाले वहां गए गता जलकुई पे, तो वहां एक कुएं में पापा जी की लाश दिखी। मैंने पहचान लिया कि हाँ पापा जी हैं, और उनके पैर भी बंधे हुए थे और गले से रस्सी बंधी हुई थी, एक पत्थर से इस हालत में पाई गई। किसी से कोई जाति दुश्मनी थी क्या? नहीं, किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। किसी के ऊपर संदेह? नहीं, वो तो सिर्फ जिला पंचायत का वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहे थे, फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। वो तो क्या, एक हमारे परिवार में एक और हृदय के पेशेंट थे, उनको लेके हम लोग ग्वालियर थे, इसलिए हम लोग वहाँ थे नहीं, इसलिए वो अकेले थे अभी। जी धन्यवाद। मिले भाई साहब, सर जो है 1 तारीख से गायब थी वो, क्या चंदेरी निकल जाते थे, बाजार निकल जाते थे, खनिया धाना भी आते थे और नदावन भी आते थे। क्या वो अगली बार सरपंच जी का चुनाव भी लड़े थे तो वो 17 वोट से हारे थे सर। और फिर अभी अपने जिला पंचायत का भी वो फार्म डाला था तो वो कैंसिल हो गए थे सर, तो अभी भी उम्मीदवार थे वो, तो 1 तारीख से वो गायब है। किसी पर संदेह है आपको? हमको देखपाल ने बताया था सर कि फौजी महाराज का 2 दिन से फोन नहीं लग रहा है महाराज, तो हमने तत्काल फोन लगाया भाई साहब को। मैं चंदेरी रहता हूँ सर, तो स्विच ऑफ गया, तो मैंने कही भाई साहब का फोन तो स्विच ऑफ कभी रहता ही नहीं था। क्यों सर? उनके फौजी रूल थे पूरे, वो फौजी रूल से जीते थे, और अगर हमारा मोबाइल बंद रहता तो हमको गुस्सा करते थे भयंकर। आपने पुलिस को कब सूचना दी? कल दी हमने सर, पुलिस को तत्काल आके। जी 4 दिन से आपको कोई सूचना नहीं? नहीं, कोई सूचना नहीं थी सर हमको। तो आपको संदेह है किसी पे? दो पाल ने बताया सर कि वो महाराज का पता लगाओ तो पाल ही बताएगा सर। क्या स्थितियों में मिली लाश आपको बॉडी? तो हमको कुआ में मिली है, सब पैर दोनों पैर बंधे हुए थे, पत्थर से बंधे हुए थे, सर भी बंधा हुआ था, साबुन का पेंट भी निकला हुआ था और शेड ऊपर थी। ये कुछ लोग कह रहे हैं कुछ जले हुए स्पॉट थे। हाँ, जले हुए हैं सर, पैर जले हैं, चेहरा भी जला हुआ है। और साहब वो 27 साल फौज में सूबेदार मेजर रह के उनने सेवा की आदमी के अंदर, हमें न्याय चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। हमें सूचना मिली थी, फोन द्वारा सूचना मिली थी कि रजौदी गांव है जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ कांटा खो एक जंगल है, वहाँ पे एक कुआ है जो खेत बने हुए हैं। भैया साहब यादव हैं, शिमला के रहने वाले, जिनका वहाँ पर खेत है और उसी खेत में एक कुआ बना हुआ है, तो उसमें एक अज्ञात बॉडी पड़ी हुई है। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे तो कल हमारे यहाँ एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जो ब्रजमोहन शर्मा हैं बामोर कला के रहने वाले, जो एक्स आर्मी मैन हैं, उनकी गुमशुदगी उनके भाई ने दर्ज कराई थी। तो जो कदकाठी थी उसी प्रकार की लगने से उनके परिजनों को सूचना दी गई, तो वो लोग भी मौके पर आ गए थे और उन्होंने शनाख्त की, तो ब्रजमोहन शर्मा जी का होना पाया गया, जो करीब 4 दिन से 1 तारीख से उनका लापता होना बताया था। क्या कंडीशन थी बॉडी की जिसमें आपको मिली? बॉडी कुएं में पानी में मिली है, आधा शरीर ऊपर था, सर उसका डूबा हुआ था, दोनों पैर बंधे हुए थे एक तौलिए से, सफ़ेद कलर की, वो लाल कलर की साफ़ी से, और एक रस्सी से जो अपने सीने का हिस्सा होता है और सर, ये बंधा हुआ था रस्सी से एक पत्थर के सहारे, उसमें डूबा हुआ था कुएं में। कुएं की ज़्यादा गहराई नहीं है, वही 3-4 फुट गहराई होगी, तो इस प्रकार वो मिलती है। धन्यवाद।